जन सुनवाई में इक्यानवे आवेदन पे भाई सुनवाई, ग्राम खड़गाए आवास सूची की जांच के निर्देश। जी हां, बात करें छतरपुर की, कलेक्टर छतरपुर सीएन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार का जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई सम्पन्न भाई है। इस मौके पर जिला पंचायत सीओ एबी सिंह और एडीएम आरडीएस अग्निवंशी सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में इक्यानवे आवेदन प्राप्त हुए, आवेदन को परीक्षण करो जाके आवश्यक कार्रवाई के लाने विभागीय अधिकारी का सौंपे गए हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह किन ने जन सुनवाई में आवास संबंधी ग्राम पंचायत खड़गाए के प्रकरण पे तत्काल संज्ञान लेते हुए आवास सूची में जोड़े गए नाम की जांच के लाने जनपद सीओ छतरपुर का 7 दिवस में जांच कर प्रतिवेदन के निर्देश दिए। उन्होंने कही है कि जो पात्र है उन्हीं का आवास को लाभ मिले। अगर जांच में पाया जाता है कि जोड़े गए नाम सूची में अपात्र है तो उनका सूची से बाहर निकालो जाए, जो पात्र व्यक्ति छूटे हैं उनका जोड़ो जय हो। और इकाल में तात्कालीन सचिव रोजगार सहायक पे सूची में गड़बड़ी करबे पे कार्रवाई करबे और खड़गाए निवासी आवेदक हीरावाई चंद्रवती को नाम आवास सूची में जोड़बे के तत्काल निर्देश दें। एक क्रम में छतरपुर निवासी बुजुर्ग महिला सावित्री चौबे अटल योजना से मिलबे वाले आवास के लाने पहुंची। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने संवेदनशीलता दिखात भय नगरपालिका सीएमओ का निर्देश दिए हैं कि उक्त महिला का तत्काल आवास दिलाओ जाए। महिला ने मकान गिराने नगरपालिका में किस्त जमा करी थी और उन्हें सीएमओ का निर्देश दिया है कि योजना के जो हितग्राही हैं उनका अटल आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करें और जन सुनवाई में देरी रोड छतरपुर स्थित पंचवटी कॉलोनी में बिजली ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल न होवे के प्रकरण पे तत्काल प्रभाव से एसडीएम छतरपुर खां कॉलोनाइजर के खिलाफ एवं उक्त संबंध में जाँच के लाने भेजो और रिपोर्ट प्रेषित करवे के लाने कही है। कलेक्टर सिंह ने कही है कि जन सुनवाई में जो भी प्रकरण आते हैं उनकी जांच कर तत्काल निराकरण करें, जिससे आम जन का कोनो भी प्रकार की परेशानी ना हो। जो भी अधिकारी शिथिलता बरत है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जन सुनवाई में राजस्व, शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य, विद्युत, सहकारिता, आदिम जाति कल्याण, खाद्य, कृषि, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास के विभागन से संबंधित आवेदन प्राप्त भय। प्राप्त आवेदन का संबंधित विभाग अधिकारियों का परीक्षण करत भय समाधान कारक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जो खास खबर बुंदेलखंड पर के संवाददाता सुरेश तिवारी की है, तो ऐसे खास खबर जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।